नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के अंतर्गत कंपनी लॉ पेपर के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी अधिनियम 2011 को राज्यसभा में सन 2013 में पारित किया गया था। उस समय से इसकी विधेयक के नाम से नाम का संशोधन कर कंपनी विधेयक 2013 कर दिया गया था। जब राष्ट्रपति ने से सम्मति प्राप्त हुई तब से यह कंपनी अधिनियम 2013 बन गया। बात करें हम इस अधिनियम के विस्तार और आरंभ के बारे में, तो कंपनी अधिनियम 2013 संपूर्ण भारत पर लागू होता है। धारा एक की धारा उपधारा दो जो इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इसकी धारा एक तब से तत्काल प्रभावी हो जाएगी जबकि राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को सम्मति प्रदान की जाएगी। अन्य धाराएं और जो प्रावधान है वो उस तिथि से लागू होंगे जो तिथि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचित की जाएगी। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम की जो विभिन्न धाराएं और विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न तिथियों को अधिसूचित कर लागू कर सकेगी। साथ ही प्रावधानों के अनुरूप ही इस अधिनियम की धारा एक अगस्त 29, 2013 को तत्काल तभी प्रभावी हो गई जब राष्ट्रपति ने अपनी सम्मति इस विधेयक को प्रदान की थी। इसके पश्चात केंद्र सरकार ने 12 सितंबर 2013 को अधिसूचना जारी कर 98 अन्य धाराओं और उनके आंशिक प्रावधानों को भी इसी तिथि से प्रभावी बनाया था। अधिनियम की जो अन्य धाराएं हैं उनको अलग अलग तिथियों से लागू किया जा रहा है। प्रथम बार में कुल 98 धाराओं या उनके कुछ उपखंडों को 12 सितंबर 2013 से लागू कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी बार में कुल 183 धाराओं या उनके कुछ उपखंडों को 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया। शेष धाराओं को प्रभावी करने की प्रक्रिया अभी जारी है। बात करें हम इस अधिनियम के उद्देश्य के बारे में कि इस अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो इस अधिनियम के जो उद्देश्य में आते हैं वो अधिक सुविधाजनक प्रावधानों के द्वारा कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहित करना, साथ ही जो कंपनियों में के प्रवर्तन प्रबंध में जो व्यावसायिक विशेषज्ञता होती है और उनके जो आचरण होते हैं उनके आचरण के न्यूनतम मापदंडों को प्रतिपादित करना। इसके अलावा इसके उद्देश्य में आता है कंपनियों के कार्यकलापों से संबंधित जो सभी उचित सूचनाएँ होती है उन उचित सूचनाओं को पूर्ण एवं न्यायचित प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा अंशधारियों की प्रभावी भागीदारी और उनके नियंत्रण को सुनिश्चित करना, साथ ही उनके हितों का संरक्षण करना। इसके अलावा जो इसके उद्देश्य में जो शामिल होता है कि कंपनियों के जो प्रबंध के लिए जो जिम्मेदार व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों के पालन हेतु बाध्य करना। इसके अन्य उद्देश्यों में जो हो रहता है कि यदि कंपनी का संचालन अंशधारियों या कंपनी अथवा जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल किया जा रहा है तो उस कंपनी के कार्यकलापों में हस्तक्षेप एवं जांच पड़ताल करने हेतु सरकार को शक्ति प्रदान करना। इसके साथ ही भारत में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप सामाजिक आर्थिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करना। अन्य उद्देश्यों में आता है कि इसके औपचारिक प्रक्रिया और अनुपालनों पर न्यूनतम व्यय द्वारा कंपनियों को संचालन एवं नवाचार में स्वायत्तता प्रदान करना। साथ ही भारतीय कंपनी क्षेत्र के विकास को चिरस्थायी बनाने हेतु ठोस एवं व्यावहारिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना। इसके अलावा जो इसका जो मोटे उद्देश्यों में एक और उद्देश्य शामिल होता है वह है कि सतत रूप से विकसित हो रहे जो आर्थिक क्रियाकलाप और व्यवसायिक प्रतिमानों हैं जो मॉडल्स की आवश्यकताओं या उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप जो यथासमय एवं समुचित प्रक्रिया एवं आचरण करने में सहायता प्रदान करना। इसके अलावा निवेश एवं उन्नति के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना। साथ ही जो इसका उद्देश्य आता है कि क्षेत्रीय नियमन एवं व्यवस्था में परस्पर विरोधी एवं परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार को टालना, तो ये कंपनी अधिनियम 2013 के मुख्य रूप से उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट्स है जिनको ध्यान में रखकर कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया था। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और अन्य टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।